आज अहले सुबह रांची के शाकंभरी बिल्डर के अलावा कई बड़े व्यवसायियों के ठिकानों पर जब आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू की तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस मामले में अब खबर आ रही है, रांची से 50 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके बुंडू के पांगुरा गांव में भी आयकर विभाग ने रामदास मांझी, विजय मांझी, विशेश्वर मांझी, शंकर मांझी, गोपाल मांझी और रमेश मांझी के घर छापेमारी की है। वहीं इस दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई। एक साथ आयकर विभाग की बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देखकर लोग समझ नहीं पाए कि माजरा क्या है। छापेमारी के दौरान किसी को भी घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वहीं बाहर पुलिस वालों की तैनाती भारी संख्या में की गई है और छापेमारी जारी है। जिन लोगों के घरों में छापेमारी की जा रही है उनके द्वारा बुंडू में लगभग 1400 एकड़ की जमीन को अवैध तरीके से बिल्डर के साथ मिलकर बेचने का आरोप है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है। फिलहाल ये लोग गांव छोड़कर रांची में रहते हैं। कुछ बता रहे लोग? नहीं, कुछ बता नहीं रहे, किसी को अंदर आने नहीं दे रहे। कितने लोगों के घर में छापेमारी हुई है? अभी तो यहाँ तो यहीं पर हुआ है, एक ही घर में। किनका घर है? रामदास मांझी जी का घर है। इधर है पीछे विशेश्वर मांझी हैं, राजकिशोर मांझी, रमेश मांझी, सब हैं। अच्छा, हम लोग को सूचना मिला है कि ये कुछ जमीन का मामला था जिसमें गड़बड़ हुआ, तो उसमें हम क्या लोग देखिए मामला तो अब कुछ नहीं, ये लोग बाहर आके बताएगा तभी ना बोल पाएंगे क्या मैटर है क्या नहीं, तो समझ में आ नहीं रहा है। ऐसे जमीन वमीन तो सुनते हैं, बेचा है ये लोग। आप देख सकते हैं कि हम अभी रांची के बुंडू थाना अंतर्गत तुंजू पंगरा गांव आए हुए हैं, जहां पर इनकम टैक्स की टीम छापेमारी के लिए पहुंची हुई है। और मैं बता दूं कि हम जिस के सामने खड़े हैं ये रामदास मांझी का घर है, और जैसे जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बड़ी कोई ज़मीन थी रेदा कोड़दा में, उसी ज़मीन की डील में इन लोगों का कहीं ना कहीं नाम आया था, मामला दर्ज हुआ था, उसी को ले कर जो है छापेमारी की टीम पहुँची है हुए है। और अभी फिलहाल अंदर में छापेमारी चल रही है, पुलिस बल बाहर में खड़े हैं। हालांकि बारिश हो रहा है इस वक्त, और उस बीच भी ये पूछताछ जो है रामदास मांझी के घर में चल रही है। अरविंद सिंह, बुंडू। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।